14 फरवरी को पुलवामा में हुए हमले के बाद से पूरे देश में तनाव बना हुआ है। दोनों देशों की सीमाओं पर लगातार खलबली मची हुई है। पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई की थी, जिसमें जमात इस्लाम जम्मू कश्मीर के कुछ नेताओं और समर्थकों को भी गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से ही केंद्र सरकार अलगाववादी नेताओं के खिलाफ कड़ा रुख बनाए हुए है। तो वहीं अब केंद्र सरकार ने अलगाववादी समूह जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के चलते गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत रोक लगा दी है। आपको बता दें कि जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने और आतंकवादी संगठन के साथ संपर्क में होने का आरोप लगा है। वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल सरकार ने जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण का लाभ देने के लिए अनुच्छेद 370 की धारा में संशोधन के लिए अध्यादेश की मंजूरी दे दी। इसके तहत जो लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास रहते हैं उन्हें भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके अलावा संविधान संशोधन ऑर्डर 2019 को भी मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि इसके तहत जम्मू और कश्मीर में मौजूदा आरक्षण के अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को शैक्षिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण मिलेगा। फिलहाल इस अध्यादेश को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। वीके न्यूज की रिपोर्ट।